अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो आप लोग देखेंगे मेरा वीकेंड जो है वो कैसा गुजरता है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो है अभी फिलहाल जो है सुबह हो चुकी है, सुबह के तकरीबन 8 हो रहे होंगे और मैं जो है सबसे पहले जो है क्या कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि ना दोपहर में कपड़े धोना बड़ा मुश्किल होता है, धूप हो जाती है। और इस ब्लॉग में आप लोग सारा दिन मेरे साथ देखेंगे कि मेरा वीकेंड जो है वो घर पर कैसा गुजरता है। और यूनिवर्सिटी बैचमेट्स के लिए तो स्पेशली ये ब्लॉग है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि हम लोग हर हफ्ते घर आ जाते हैं, तो देखो ज़रा भाई हम लोग आकर क्या करते हैं। अब देखो कल जो है, कल मेरा टेस्ट है और आप लोगों को दिख रहा है कि मैं इस वक्त किस कदर मसरूफ़ हूँ। कोई इमेजिन कर सकता है कि टेस्ट से एक दिन पहले वो कपड़े धो रहा है, वो खाने बना रहा है, एक्सरसाइज ये सब कुछ कर रहा है, बड़ा बड़ा ग्लव्स नहीं है। और जो और पता है क्या, आप लोग इमेजिन कर सकते हो हॉस्टल में अगर मैं हूँ तो मैं अपने खुद के जो है वो कपड़े कैसे एक दिन। लेकिन यहाँ देख लो, मुझे ना सबके कपड़े, अपने सारे घर वालों के कपड़े भी धोने हैं, फिर अपने हॉस्टल के लिए खाना भी बनाना है। वो तो आप लोग इस व्लॉग में आगे आगे देखेंगे मेरे कितने दुख हैं। कल मेरा टेस्ट है, रिवाइज मैंने ग्लव्स नहीं किया है, बीसीक्यूज मैंने नहीं किए हैं, शॉर्ट आंसर मुझे नहीं पता क्या आएंगे, आई डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी टुमारो, बट होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। किताब हाथ में ली हुई है, सिर्फ पढ़ा मैंने एक ग्लव्स नहीं है। आप लोग दुआ करें कि टेस्ट जो है वो बहुत बहुत अच्छा हो जाए। व्लॉग तो जाहिर टेस्ट के बाद ही अपलोड होगा, लेकिन रिजल्ट तो इस व्लॉग के बाद ही आएगा, तो आप लोगों की दुआओं से मौजे हो सकते हैं। तो आपने भी मेरे लिए दुआ करनी है, मैंने भी इंशाल्लाह कोशिश करनी है, मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड में घंटी तो सुनाई देती होगी मशीन की, तो अब मुझे जाना है मशीन से कपड़े निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद कपड़े निकालने के बाद जो है वो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कपड़े सुखा के। और पीछे से ये जो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं, सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि यार 14 अगस्त का है दिन आज, इट इज़ मंडे, आज 14 अगस्त की छुट्टी है, तो 14 अगस्त के ये जो बाजे बज रहे हैं ना, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपसे माजरत ख्वाह हूँ। और सेकंडली गाड़ियों की भी आवाज़ें आ रही हैं, तो ये आवाज़ें आपको अक्सर मेरे व्लॉग्स में मिलेंगी। मैं रोड के साइड पर रहती हूँ, नीचे दुकानें, ऊपर हमारा घर है, सो आई एम रियली सॉरी, बट इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड अब आप लोग इसके बाद मेरे व्लॉग में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ये देखें गाइस, अब जो है कपड़े धुल के कुछ साथ साथ जो है आप लोग देख सकते हैं कि इस्त्री भी चल रही है, साथ साथ मशीन से कपड़े भी धुल रहे हैं। अब देखें आप लोगों को, अभी मैंने जो बात करी थी कि इतनी बड़ी शलवारें हैं, इनको इस्त्री करते हुए बंदे को एक एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। सेकेंडली धोते हुए तो फिर बस आप क्या ही मैं बोलूँगा भाइयों को, लेकिन ये बातें समझ में नहीं आती हैं, उनको अपना स्टाइल ज़्यादा मैटर करता है। दैट इज़ अ घेर वाली शलवार, चेक करें ज़रा, क्या बोलूँ बस। और जैसे कि टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 11:30 हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो है मेरा तुख मलंगा होता है। जैसे कि मैं, अगर आप लोगों ने मेरा डाइट प्लान देखा है तो उसमें आप लोगों को पता होगा, हंगर सप्रेसेंट भी है, हंगर सप्रेस करता है, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, अपनी GIT को जो है वो साफ़ करता है, आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो GI रिलेटेड हैं उसको सॉल्व करता है। जब GI के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो स्किन एक्नी, स्किन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाते हैं। मैंने बीच में जो है अपना थोड़ा बहुत GI डिस्टर्ब मेरा हुआ, तो मैंने ये सब कुछ पीना वगैरह हर चीज़ छोड़ दी, तो मेरी स्किन एक्नी जो है वो शुरू हो गई। अब जो है मैं सॉरी स्टार्ट कर रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी मेरी स्किन से रिलेटेड सॉल्व हो जाएं। तो आप लोगों ने भी इसको अपने जो है वो डाइट में ऐड करना है। आप लोगों ने करना क्या, 2 चम्मच तुख मलंगा लेके उसको आपने 1 गिलास पानी में थोड़ी देर के लिए ढक के रख देना, जब वो इस तरह फूल जाए तो आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पी लेना है। ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर। अभी जो है वो मैं नहाने जा रही हूँ, शाम का टाइम हो चुका है, सारे काम, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सिलाई, एवरीथिंग इज़ डन। अब उसके बाद नहाना है, नहा के आके कपड़े थोड़े से इस्त्री करने हैं अपने लिए, जो मैं सुबह पहन के जाने वाली हूँ, वो सारा काम करना है, फिर नहा के आती हूँ, फिर मैं आपको लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ड्रेस प्रेस हो चुका है, ये रहा ट्राउज़र जिसकी मैं बात कर रही थी, इस पर मैंने इसी तरह से 5 पे डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये कम्प्लीट जो है लुक है शर्ट और ट्राउज़र्स की, आप देख सकते हैं, ये मेरी फ्रॉक ये यहाँ तक, और ये साथ में इसका जो है लॉन्ग का प्रिंटेड दुपट्टा, ठीक है, ये सूट है, ये सुबह इंशाल्लाह मैं यूनिवर्सिटी के लिए ड्रेस किया है, मैं सुबह पहनने वाली हूँ, और सुबह मेरा ड्रेस भी है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। एप्रन के बगैर तो जो है वो हम हॉस्टल जा नहीं सकते, तो ये मेरा एप्रन है जिसको मैं प्रेस कर चुकी हूँ। उसके अलावा जो ये आप ड्रेस देख रहे हैं थोड़ी देर पहले जो कि मैं स्टिच कर रही थी, इट इज़ रेडी एंड प्रेस्ड, इसको चेक करें आप। यहाँ पे जो है मैंने इसमें चुनर डालें, ठीक है, नॉर्मली जो है वो बाजू पे चुनर डालते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा इन्वेंशन करके ना थोड़ा यहाँ ये देखें ये पेटी पर चुनर डालें। उसके अलावा ये साइड्स में डोरियाँ हैं जिनको हम बांधेंगे ये, और उसके अलावा जो है ये लुक है। ट्राउज़र मैंने साथ में साधा रखा है, ट्राउज़र पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, बाकी फ्रॉक पे जो है वो ये लुक है। मैं डोरियाँ बांध के भी आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ पे यूँ डोरियाँ टाई हो जाएंगी, उसके बाद जो है इसकी फिटिंग आप अपने जब पहनेंगे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ये डिज़ाइन आप लोग भी बनवा सकते हैं अपने ड्रेसेस के लिए। और उसके अलावा जो है इस सूट की कहानी ये है कि ये मुझे फ्री में मिला है, असल में मेरे फादर हैं, उनकी कपड़ों की दुकान है, तो ये वहाँ से जो है
जो विलेज का तबका होता है ना, उन्होंने कहकर मंगवाया था। वो असल में मेरे फादर जो हैं वो मेल कपड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मंगवाया था। उसमें से जो कुछ बच गया वो मेरे हिस्से में आया है, तो मुफ्त में आया है। तो मुफ्त की कोई भी चीज़ जो है आप उसको मना नहीं करते। मैंने भी मना नहीं किया, मैंने चुप करके रख लिया। और घर पहनने के लिए कैजुअल जो है ये बिल्कुल कम्फर्टेबल सा नरम सा कपड़ा है। यूनिवर्सिटी के लिए तो ऑब्वियसली ये नहीं है। ये ट्राउज़र पे ना कुछ भी नहीं किया, बस साइड से मोड़ा है। दुपट्टा भी इसके साथ हमने घर से ही मैच कर लिया है। ये ग्रीन कलर का जो है वो ब्लू कलर का दुपट्टा है इसके साथ, मज़े। मेरा जो है वो पक्का इरादा था पढ़ने का, लेकिन हमारे घर मेहमान आ चुके हैं तो उनकी खातिर निदारत के लिए चीज़ें पेश करने के बाद यहाँ हाजिर हूँ। उनको तो बहुत कुछ दिया है, पर मेरे सामने ये रखी हुई हैं जलेबियाँ, क्योंकि मेरे मतलब की यही चीज़ थी। अकेली इतनी सारी नहीं खाऊंगी, बाकी सबको भी दूंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो दिस इज़ नो मेकअप लुक वाली टिप्स मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। करना क्या, आप लोगों ने बीबी क्रीम थोड़ी सी लेनी है, साथ में आप लोगों ने क्या लेना है, थोड़ा सा शिमर ऐड करना है, मतलब हाइलाइटर ऐड करना है उसके अंदर। आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आप लोगों के फेस पे जो है वो आपको अलग से हाइलाइटर अप्लाई करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि ये नो मेकअप लुक है, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने इसको अपने फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो है अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके अप्लाई करने के बाद आपने उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छे से अप्लाई कर देना है। ये कॉम्पैक्ट पाउडर मिस रोज़ वालों का है, जिसमें ज़रा सा जो है वो टिंटी सा लुक भी है और थोड़ा बेस जो है वो अच्छे से बैठ जाता है। उसके बाद आप लोगों ने एक टिंट लेना है, टिंट लेके अपने चीज अपने आईज़ लिड के ऊपर और अपने नोज़ पे अप्लाई कर लेना है, जिससे आप पिंकिश लुक आएंगे। बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, हल्का से इसको टच करना है और अप्लाई करना है। उसके बाद ये तीन लिपस्टिक हैं, जिसको तीनों को मैं ब्लेंड करके यूज़ करने वाली हूँ, और बिल्कुल आपने बस टच करना है और लगाना है, बहुत डार्क आपने नहीं अप्लाई करना, ठीक हो गया। तो ये जी तीन कलर लिपस्टिक्स के हैं, इसमें थोड़ा सा शिमर है, रेडिश सा कलर है। इन तीनों को मिक्स करके आपने बिल्कुल बस टच करना है, फिंगर के साथ आपने अप्लाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी, क्योंकि हम नो मेकअप लुक की तरफ रह रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका हाइलाइटर भी, ब्लश भी, फाउंडेशन भी, लिपस्टिक, फेस पाउडर सब कुछ आ गया, लेकिन बिल्कुल लाइट और बिल्कुल नो मेकअप लुक वाला यूनिवर्सिटी गोइंग लुक जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा शाइनिंग, और हम लोग दोनों तैयार हुए थे क्योंकि हम वी आर गोइंग समवेयर। तो ये मेरा नया अबाया है जो मैंने आज फर्स्ट टाइम वेयर किया है, तो मैंने सोचा। तो जी ये मैं नया अबाया पहन कर बैठी हुई हूँ, जैसे ही गेस्ट आए हैं उसके बाद से प्लान बना है कि हम लोगों को कहीं बहुत ज़रूरी किसी काम की वजह से जाना है। तो हम लोग इतना ज़्यादा जो है वो काम होता है, इस वजह से पता क्या है कि अब घर पर आते हैं ना तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं तो घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ, एटलीस्ट मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, तो बहुत सारा जो है वो मेस्ड अप सा काम जो है वो करना पड़ता है। फिर उसके अलावा जो है आप लोगों के सामने ही है सारी चीज़ें, आप लोग इस ब्लॉग में देख ही रहे हैं। खैर अब हम लोग जाएंगे, वहाँ से वापस आऊँगी, अपना सारा सामान वगैरह समेटूंगी, कलेक्ट करूँगी, रखूँगी और पैकिंग करूँगी। फिर जो है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी सुबह इंशाल्लाह कि पैकिंग जो है वो मैं किस तरह से, एक मेरा बैग होता है मैं कैसे लेकर जाती हूँ, वो हम सुबह देखेंगे। तब तक के लिए आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। और हाँ, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बाकी सारी वीडियोस को विजिट करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों को किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप लोग क्या देखना चाहते हैं, आप लोगों की कौन सी क्यूरीज हैं, आप सब कुछ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा, आपने वो अकाउंट फॉलो करना है। वहाँ जाकर आप लोग मुझे मैसेज के जरिए से कुछ ना कुछ जरूर पूछ सकते हैं। आपको जो भी क्यूरीज हैं, आपको जिस तरह का कंटेंट चाहिए, सारा आप लोग मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मुझे वहाँ पर फॉलो करें, मेरी सारी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें एंड थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त का सूट दो नाजी, पर मेरे अबाए में फिर भी ग्रीन ग्रीन सा कलर आ रहा है।